वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईश्रम कार्ड क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है और कौन कौन है वो लोग जो ईश्रम कार्ड बना सकते हैं। उस वीडियो को आपने काफ़ी पसंद किया, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे मैसेज किए थैंक्स कहने के लिए, और कुछ उनके क्वेश्चन भी थे जो उन्होंने मुझसे पूछे। लेकिन जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा गया वो ये था कि क्या स्टूडेंट्स ईश्रम कार्ड बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या स्टूडेंट्स वाकई ईश्रम कार्ड बना सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसके बारे में मार्केट में काफ़ी सारे र्यूमर्स हैं, काफ़ी सारी अफवाहें हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो ईश्रम कार्ड नहीं बना सकते, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे कि ईश्रम कार्ड क्या वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ईश्रम कार्ड मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जैसे कि शॉपकीपर्स, फार्मर्स, डोमेस्टिक वर्कर वगैरह के लिए होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ये ईश्रम कार्ड नहीं बना सकते। लेकिन इसमें एक सस्पेंस भी है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सारे स्टूडेंट्स ईश्रम कार्ड नहीं बना सकते, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो ईश्रम कार्ड है वो बनाए जा सकते हैं। अब कौन है वो स्टूडेंट जिनके लिए ईश्रम कार्ड बनाए जा सकते हैं, ये हमने अभी डिस्कस करना है। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी तक 15 करोड़ लोगों ने जो है वो ईश्रम कार्ड बना लिया है, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टडी जो है, जो पढ़ाई होती है, वो सर्विस का एक सोर्स नहीं है। वो इसमें आप कोई सर्विस नहीं कर रहे, आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो। तो इस रूल के मुताबिक जो स्टूडेंट्स हैं वो ईश्रम कार्ड नहीं बना सकते। लेकिन पढ़ाई का जो सफ़र होता है इंसान का, वो 30-35 साल तक चलता है। और इस सफ़र के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट साथ साथ करता है, जैसे कि ट्यूशन देता है या नॉर्मली टीचिंग इंस्टीट्यूट में काम करता है, या सोशल वर्क, या कोई लीगल वर्क करता है, या कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, या कुछ स्टूडेंट जो है वो डिलीवरी का काम करते हैं, कुछ स्टूडेंट साथ साथ कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है वो न्यूज़पेपर बॉय बन जाते हैं, या फिर ऑफिस बॉय या पीएन बन जाते हैं, या किसी बुक बाइंडिंग का काम करने लगते हैं। अब गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है उसके मुताबिक सभी लोग तो ईश्रम कार्ड नहीं बना सकते, सभी स्टूडेंट्स तो ईश्रम कार्ड नहीं बना सकते। लेकिन कुछ कैटेगरीज गवर्नमेंट ने अनाउंस की है जो ईश्रम कार्ड बना सकते हैं, उसी के बारे में जानने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, आप वो कैटेगरी नोट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं 379 नंबर कॉलम जो है एजुकेशन का कॉलम है, इसमें लिखा है कि अगर आप ट्यूटर हैं या नॉर्मल टीचर हैं, होम ट्यूटर हैं, या आप किसी तरह की कोचिंग सेंटर कोचिंग प्रोवाइड करते हैं तो आप अपना ईश्रम कार्ड बना सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लिस्ट में भी हम देखते हैं कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें से आप अपना देख सकते हैं पार्ट, जैसे कि अगर आप पढ़ाई के साथ साथ वॉचमैन का काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप स्नेक चार्मर हैं, तो इस तरह के लोग जो है वो ईश्रम कार्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में भी हम देखते हैं, जैसे 324 नंबर कॉलम में लिखा है कि अगर आप एक ऑफिस बॉय हैं या पीएन का काम कर रहे हैं तब भी आप ईश्रम कार्ड बना सकते हैं। इसके अलावा जितने भी लोग कॉल सेंटर पर काम करते हैं या डिलीवरी काम करते हैं वो सभी लोग ईश्रम कार्ड बना सकते हैं। अब इसमें देखने वाली बात सिर्फ एक है कि अगर तो आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, सिर्फ स्टूडेंट, आप कोई भी काम नहीं कर रहे, आप साथ साथ कोई भी जॉब नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आप ईश्रम कार्ड नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं और साथ साथ कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं, आपका ईश्रम कार्ड जो है वो बन सकता है। और मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि अगर मैं ईश्रम कार्ड बना लेता हूँ या बना लेती हूँ तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, जैसे गवर्नमेंट जॉब का ना मिलना या स्कॉलरशिप का ना मिलना। तो इसके विषय में आपको बता दूँ कि अगर आप ईश्रम कार्ड बना लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप या गवर्नमेंट जॉब पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप रुक जाएगी या आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। इसका प्रूफ ये है कि जो ईश्रम कार्ड बन रहे हैं वो सारे प्रेजेंट सिचुएशन पे बन रहे हैं, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो फ्यूचर पे बन रहा है। अभी जो भी आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं उसी के बेस पे सारे ईश्रम कार्ड जो है वो बन रहे हैं। तो आप डेफिनेटली ये ईश्रम कार्ड बना सकते हैं अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं। ये एक पूरी लिस्ट है जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा जो पहली वीडियो मैंने लॉन्च की थी जिसमें ईश्रम कार्ड के फ़ायदे बताए हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे मैंने दे दिया है, आप वहाँ से जाके ईश्रम कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो देख सकते हैं। और भी मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि अगर सपोज़ मैं इस टाइम पे कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ और फ्यूचर में अपना प्रोफेशन चेंज कर लेता हूँ तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा, क्या मेरे पैसे रुक जाएंगे या कुछ ऐसा होगा, या कोई प्रॉब्लम या कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन पर बनाए जा रहे हैं तो इसका कोई भी असर आप पे नहीं होगा।
आप फर्दर अपने ई कार्ड को, जो ईश्रम कार्ड है आपका, उसको अपडेट करके वहाँ पे अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर में ये सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि आप फ्यूचर में अगर मुकेश अंबानी भी बन जाते हैं या आपको कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है, तब भी गवर्नमेंट का इसके ऊपर आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, यानी किसी भी तरह का खतरा आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अभी वो प्रेजेंट सिचुएशन में ये काम कर रहा है और उसने ईश्रम कार्ड बना लिया और उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी गवर्नमेंट जॉब चली जाएगी? तो इसका भी आंसर ये है कि नहीं, इसका कोई भी असर जो है इस चीज़ के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। आप ईश्रम कार्ड बड़े आराम से बना सकते हैं, तो आप बड़े आराम से जो है इस चीज़ के ऊपर वर्क कर सकते हैं। आई होप आपको इसको बात तो क्लियर हो गया होगा कि आप ईश्रम कार्ड बना सकते हैं नहीं। शॉर्टकट में अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं तो डेफिनेटली आप ईश्रम कार्ड बना सकते हैं अगर आप लिस्ट में से कोई काम करते हैं। एक एडवाइस जो मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा वो ये है कि ईश्रम कार्ड बनाने से पहले आप पहले ही NCO कोड की लिस्ट को चेक कर लें, उसमें से कैटेगरी देख लें और वही सही कैटेगरी भरें। अगर आप गलत कैटेगरी भरते हैं तो आपका ईश्रम कार्ड कैंसिल भी हो सकता है। अगर आपने ईश्रम कार्ड बना लिया है और आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन सी कैटेगरी फिल की थी और उसको कैसे ठीक करना है, तो उसके ऊपर जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने गलती से ईश्रम कार्ड बना लिया है या गलती से गलत कैटेगरी भर दी तो उसका क्या सोल्यूशन है, तो वो आप देख लेना, उसमें आपको सारा समझ आ जाएगा। ये वीडियो ये भी खत्म होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।